अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल हादी और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो हमने अर्शद खान चाय वाले के ऊपर बनाई है, जो एक ही पिक्चर से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं हो गए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसे तौरफ का मोहताज नहीं ये बंदा, तो जाहिर सी बात है कि जो इंडियन गर्ल्स थी उन्होंने तो इसको पूरी दुनिया का हसीन तरीन बंदा करार दे दिए। उसके बाद जाहिर सी बात है कि हर कोई इससे बात करने का तो दिल करता है, कितना या फेमस हो गए बात करते हैं। तो जब फेसबुक वालों ने तो फेसबुक पे सर्च करना है, तो जब फेसबुक में मैंने इनका जब नाम लिखा है, ये देख सकते हैं कितना एक नाम लिखा है, तो ये देखें रिजल्ट कितने आए हैं, देखें कितने हैं ज़्यादा। अब एक आम सा बंदा तो परेशान हो जाता है यार, इसमें से रियल कौन सा होगा। तो एक सादा सा सादा तबीयत का बंदा वो तो मुझे नहीं लगता कि समझ पाए। ये देख सकते हैं कि कितना अभी लोड और भी हो रहे हैं, और भी देखें तो इतने ज़्यादा हैं। तो हम जनरल क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं जो टॉप पे होते हैं ना उसको इधर से ना ऐड फ्रेंड कर लेते हैं। ये देखें ये जो भी है, ये आई एम नॉट श्योर दैट कि ये रियल है। 64 पीपल इसको फॉलो कर रहे हैं और देखते हैं इसकी क्या है, इसकी पोस्ट को देखते हैं जो उसने की हो खुद, वो तो कोई नहीं नज़र आ रही। तो कहने का मकसद कि ये सारे फेक हैं, इनमें से रियल कोई भी नहीं, ना इसका फेसबुक पे अकाउंट है। तो आप खुद सोचें चाय वाला अगर मॉडल बन जाए तो फेसबुक, चाय वाला फेसबुक चलाएगा। काफ़ी ज़्यादा हैरान कन क्वेश्चन है, लेकिन जो हमारे लोग हैं बिलखसूस जो हमारी बहनें हैं वो इस बारे में सोचती नहीं हैं, वो कहते हैं हाँ क्या पता उसको आती हो। तो मे भी तो कुछ तो जस्टिस के लिए कि अपडेट्स तो मिलती रहेंगे ना इसको इसके साथ अटैच होने से। तो इसका कोई भी ऑफिशियल अकाउंट अभी तक नहीं है फेसबुक पे, और इंस्टाग्राम पे चले देखते हैं, इंस्टाग्राम पे जब आप करेंगे ना सर्च तो काफ़ी ज़्यादा आएंगे आपके मोबाइल पे, आपको समझ नहीं आएगा कौन सा रियल है। तो रियल इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी कोई नहीं है। ये देखें एक है इसका, ये भी खुद का नहीं है, ये भी कोई और इसको चला रहा है। देखते हैं पेज रन बाय एडमिन, तो उसके बाद ये जो लिंक दिया हुआ ना इसने, ये जो जो बंदा इसको ये वाली आईडी चला रहा है, ये उसने यूट्यूब लिंक दिया है। तो अब देखते हैं ये यूट्यूब लिंक किसका है। ये कहें जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इसने लिंक दिया था उस पर क्लिक करने के बाद तो चैनल एक यूट्यूब पे ओपन हो गए। तो ओपन जो चैनल हुआ है उसका नाम भी देख सकते हैं और सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं और एक वीडियो है। चलिए वीडियो में आपको अभी चला के दिखा देते हैं कि किसके बारे में है या किसकी है। आगे थोड़ा सा आगे करते हैं, ये देख सकते हैं कि ये भी इसका ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। तो इसके अलावा जब हम इधर सर्च करते हैं अर्शद खान के ऊपर यूट्यूब पे, ये देखें फर्दर कितनी ज़्यादा वीडियो आ गई हैं। ये इसका जो सॉन्ग की है ये इसको ओपन करते हैं, जैसे कि ये सॉन्ग अब चल रहा है। तो एक और आपको मैं बताऊंगा सबसे अहम बात, ये देखेंगे बियॉन्ड रिकॉर्ड से ये सॉन्ग
रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम में से अक्सर लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, ये इसमें ये बहुत काम की होती है। इसमें अक्सर बहुत कुछ लिखा होता है जो हम मिस कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे किसकी आईडी है जिन्होंने रिकॉर्ड किया या बियॉन्ड रिकॉर्ड की, अदरवाइज इन्होंने कोई नहीं लिंक दिया हुआ। ये देख सकते हैं आपके सामने, तो कोई भी वीडियो देखें उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें, जैसे कि हमारी वीडियोस होती हैं ना। अभी मैं ओपन करता हूँ अपना चैनल, ये मैंने अपना चैनल ओपन कर लिया यूट्यूब पे। ये देख सकते हैं एक छोटी सी आउटलुक है, तो इसके बाद ये देख लेते हैं ये स्मी मार के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई हुई है। चलिए इसको इधर से इसकी डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं। इसकी मीन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो इसमें देख लीजिए, इसमें लास्ट में होगी। चलिए ये थी इसकी डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आने के बाद ये देख सकते हैं कि हमने अपना इधर ऑफिशियल पेज फेसबुक का जो पेज है वो भी दिया, और ट्विटर का अकाउंट भी, इंस्टाग्राम भी। मीन्स कि अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो बकायदा हर किसी ने ना जो एक ऑथराइज्ड वेबसाइट है, कोई चैनल है, तो उसने अपने लिंक दिए होते हैं। ये तकरीबन हर किसी ने जो ऑफिशियल है, जो ऑथराइज्ड है, तो उन्होंने ये दिया होता है। यहाँ देख सकते हैं हमने अपनी वीडियो का लिंक भी दिए हुए नीचे, तो ये हमारा जो चैनल है उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो इस तरह थोड़ी सी आप नीचे थोड़ी सी सर्च किया करें, इंशाल्लाह आपको बहुत से क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी एक और वीडियो में यहाँ से याद आया कि एक और चीज़ जो आपको अभी दिखाते हैं, ये यह सनान की ऊपर जब वीडियो बनाई थी, तो आई थिंक इनका मैंने दिया था। जो ये देखें जो इनका ट्विटर अकाउंट है ना, ये देखें, ये भी नहीं दिया, ये मैंने अभी हाईलाइट किया, देखें। तो अब ये देखें, इसके अलावा जो इंस्टाग्राम का भी वो भी दिया। तो थोड़ी सी सर्च खुद कर लिया करें, डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपको काफ़ी सवालों को जवाब खुद ही मिल जाते हैं। तो इसी तरह एक लड़की ने बाद में मुझसे पूछ रही थी, हालांकि ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया ताकि वो जो अपन शाह के बारे में पूछ रही थी उनकी आईडी क्या है, हालांकि उन डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया भी था कि उनकी आईडी है, लेकिन उसके बावजूद कमेंट में पूछ रही थी। इसलिए कमेंट में देखा करें, इंशाल्लाह आप कमेंट में क्या डिस्क्रिप्शन में देखा करें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर ना मिले तो फिर आप कमेंट करें, तो कमेंट करने से पहले एक मिनट तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लिया करें, बहुत से सवालों के जवाब आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाते हैं। अगर फिर भी कोई किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा हो तो फिर आप मस्ट है क्या कमेंट करें। तो इसके बाद आपसे वही एक अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल प्रमोट हो तो काइंडली वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि हर बंदे को जिस तरह उसकी पिक्चर से वो इतना फेमस हो गया ना, तो इस तरह हमारी वीडियो से हर बंदे को इन्फो मिल जाए कि ये रॉन्ग है और क्या राइट है। तो हमारा मकसद यही है कि बस हर बंदे को पता चल जाए कि फेसबुक पे क्या हो रहा है, और सबसे अहम बात कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले। इंशाल्लाह एक आदमी मैं वीडियो ऐसी बना रहा हूँ जिसमें कोई बंदा वो फेक अकाउंट वाला वो उसमें कोई ना कोई प्रूव उसका मिले कि जो वो कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो। लेकिन मैं कोशिश बना रहा हूँ, देखें कितनी हद तक उसमें कामयाब होता हूँ। क्योंकि जब कोई बंदा किसी लड़की को ब्लैकमेल करता है ना, तो लड़की फिर लड़की इज्जत के खातिर वो किसी को बताती नहीं है,
चाहे जौन सी मर्जी ज्यादती उसके साथ हुई हो, वो उस पर पर्दा डाल देती है। वो उसका पर्दा डालना, वो उसका ना जो हौसला है वो और बढ़ जाता है। तो इस तरह वो उसकी बहुत सी लड़कियों से करते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि हर बंदे तक ये मेरा पैगाम जाए, और बिलखसूस वो बंदे जो ऐसा करते हैं तो उनको भी इस बात का एहसास हो कि ये गलत है, कानूनन भी और हर दीन के मुताबिक भी। तो अभी भी टाइम है कि भाई जो ऐसा करें वो छोड़ दें, ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे भी धोखा जो देता है ना, तो ये बहुत वफादार है धोखा, ये वापस आपके घर ही आता है, चाहे जहाँ मर्जी चले जाए लेकिन वापस ज़रूर आता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।